प्रिय साथियों, मैं नवल मिश्रा आप सबका अपने नवल इंग्लिश स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको आपके इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम में संकलित सातवीं कविता द पासिंग ऑफ आर्थर का अध्ययन कराऊंगा। यह कविता एल टेनिसन द्वारा लिखित एक लंबी कविता मॉर्टे डी आर्थर का अंश है। कविता की ए लाइन है, कवि ने सर बीडीवर को संबोधित करते हुए लिखी है। होता क्या है इस कविता में, राजा आर्थर युद्ध में घायल हो जाता है, वह बीमार है, उसके बचने की कोई आशा नहीं है। वह अपनी तीनों रानियों के साथ एक नाव में सवार होकर कहीं दूसरे द्वीप पर जा रहा है अपने इलाज के लिए। जब राजा बीमार है, घायल है, जा रहा है, उसके जितने भी चाहने वाले हैं वे सब दुखी हो रहे, परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर उसका एक बहुत ही प्रिय योद्धा है, नाइट है, जिसका नाम है सर बीडीवर। बहुत दुखी है, वह परेशान है, रो रहा है राजा के लिए। तो राजा इन लाइनों में उसे समझा रहे हैं, उसे सांत्वना दे रहे हैं, ध्यान देंगे। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। राजा आर्थर ने स्लोली, धीमे से, हल्के से उत्तर दिया फ्रॉम द बार्ज, नाव से। राजा नाव में बैठा हुआ है, राजा ने नाव से धीमे से उत्तर दिया, धीमे से समझाया सर बीडीवर को। द ओल्ड आर्डर चेंज, कि पुराने नियम बदलते हैं, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और नए नियम उनका स्थान ले लेते हैं। अर्थात पुरानी चीज़ें चली जाती हैं और नई चीज़ें उनका स्थान ले लेती हैं। गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, ईश्वर अपनी इच्छाओं को, अपने मन को विभिन्न प्रकार से पूरा करता है। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, बन गुड कस्टम, एक अच्छी कस्टम, एक अच्छा रिवाज, एक अच्छी प्रथा, शुड करप्ट द वर्ल्ड, संसार को भ्रष्ट न करते। कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी रिवाज, एक अच्छी प्रथा संसार को भ्रष्ट ना कर दे। अर्थात चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, क्योंकि यदि परिवर्तन नहीं होगा तो कोई भी चीज़ जो अच्छी है वह खराब हो जाएगी, कोई भी प्रथा जो अच्छी है वह खराब हो जाएगी। इसलिए समय समय पर प्रथाएं बदलती रहती हैं, समय समय पर उनका महत्व होता है, जैसे वो महत्वहीन हो जाती हैं उन्हें बदल दिया जाता है, उनकी जगह पर नई प्रथाएं आ जाती हैं। तो राजा बीरबल को संबोधित करता हुआ कहता है कम्फर्ट दाई सेल्फ, तुम धैर्य रखो, तुम परेशान ना हो। व्हाट कम्फर्ट इज इन मी, मेरे अंदर कैसा धैर्य है, मेरे अंदर कैसा धैर्य है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जिया है, एंड दैट विच आई हैव डन, और जो भी मैंने अपने जीवन काल में किया है, जो भी मैंने कार्य किए हैं अपने जीवन में, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, भगवान उन्हें स्वीकार करे, भगवान उसे माने, भगवान उन्हें ग्रहण करे। बट दाऊ, लेकिन तुम, इफ दाऊ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मेरा चेहरा दोबारा ना देख सको, यदि मैं तुम्हें दोबारा ना देखने को मिलूं, यदि मैं बाई दबे ख़त्म हो जाऊं, मर जाऊं, प्रे फॉर माई सोल, तो तुम मेरी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करना, ईश्वर से प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर राट, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं बाई प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा। संसार में बहुत से असंभव कार्य संभव हुए हैं प्रार्थना के द्वारा। तेन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स आप, इस सपनों के संसार में, कभी कहता है संसार सपनों का है। यहाँ प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो असंभव लिख रही थी लेकिन ईश्वर ने प्रार्थना के द्वारा उन्हें संभव कर दिया है। Therefore let thy voice, कभी कहता है इसलिए, let thy voice, तुम्हारी आवाज़, rise like a fountain, यहाँ सिंबली अलंकार है, rise like a fountain, एक फव्वारे की तरह लगातार, night and day, लगातार रात दिन मेरे लिए उठती रहे, लगातार तुम्हारी आवाज़ मुझे दुआ, मेरे लिए, मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती रहे, मेरे लिए दुआएँ करती रहे। फॉर वाट आर मैन बेटर देन सी पार गोट, क्योंकि वे लोग आर मैन बेटर देन सी पार गोट, वे भेड़ बकरियों से अधिक अच्छे नहीं हैं, वे लोग भेड़ बकरियों जैसे ही हैं, दैट नॉरिस अ ब्लाइंड लाइफ, जो जीवन में अंधानुकरण करते रहते हैं, अंधे होकर दूसरों का पीछा करते रहते हैं, विद इन द ब्रेन, अपने दिमाग में लोग अपने दिमाग के द्वारा अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने दिमाग के द्वारा भी अंधानुकरण करते रहते हैं, दूसरों के पीछे पीछे चलते रहते हैं, उनकी बातों को ही सही, उनकी बातों को ही जो वह बताते हैं वैसे ही कहते जाते हैं। इफ नोइंग गॉड, कभी कहता है इफ नोइंग गॉड, वे भगवान को जानते हैं, वे ईश्वर को जानते हैं कि भगवान सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स आ प्रेयर, लेकिन फिर भी वे भगवान की प्रार्थना के लिए अपने हाथ नहीं जोड़ते हैं, अपने हाथ नहीं उठाते हैं। बोथ फॉर देम सेल्फ, दोनों के लिए, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, उनके लिए जिन्हें बाप ने मित्र कहते हैं,
ना तो अपने लिए बाबा भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपनी तरक्की के लिए कुछ करते हैं, ना ही अपने मित्रों अपने दोस्तों की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। फॉर द होल राउंड, क्योंकि ये चारों ओर से ये अर्थ पृथ्वी इज एवरी वे हर प्रकार से बाउंड बाई गोल्ड चैन सोने की जंजीरों से बंधी हुई है। अबाउट द फीट ऑफ गॉड, भगवान के पैरों से। कभी कहता है पूरी पृथ्वी भगवान के पैरों से सोने की जंजीरों के माध्यम से बंधी हुई है, अर्थात पृथ्वी पर कुछ भी होता है भगवान को पता चल जाता है कि हमारे यहाँ पृथ्वी पर क्या हो रहा है। बट नाउ फेयरवेल, अब अलविदा, ऐसा कहकर के राजा वहाँ से चला जाता है। प्रिय साथियों, यदि आपको ये कविता अच्छी लगती है तो कविता को लाइक करें, कविता को अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट में कुछ लिखें। यदि आप कोई नई कविता चाहते हैं तो कमेंट में उसका नाम लिखें, मैं उस पर नया वीडियो बनाऊंगा। प्रिय साथियों, धन्यवाद।